पुलिस को आगे करता है। ये लोगों के हाथ उठाने का काम कर रहा है, स्टेटमेंट सत्यपाल मलिक जी ने दी थी कि जब वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के तो उनको बीजेपी के किसी लीडर ने, आरएसएस के एक लीडर ने 150 करोड़ रिश्वत देने की बात की है, उन्हें अंबानी ने, अंबानी कंपनी के लोगों ने दी 150 करोड़ देने की बात की। तो मैं बताना चाहता हूँ, रिश्वत लेने वाला सिर्फ मुजरिम नहीं होता, रिश्वत जो देता है वो भी अपराधी होता है। तो हम उम्मीद कर रहे थे अमित शाह जी यहाँ आएंगे और जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी जो नेता है जिसकी बात अमित शाह ने, सत्यपाल मलिक ने की है, उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे साबित होता है बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है और उसका सबसे बड़ा सबूत हम ये देना चाहते हैं, 2019 तक स्विट्जरलैंड बैंक में 6,600 करोड़ कुछ काला धन भारत का जमा पड़ा था, जो बीजेपी वापस लाने की बात कर रही थी। लेकिन बड़े दुख से, शर्म से कहना पड़ता है, वो काला धन वापस तो नहीं आया, लेकिन आज अगर हम बात करें 20,700 करोड़ पे से ज्यादा काला धन भारत का स्विट्जरलैंड बैंक में जमा हो चुका है, 3 गुना ज्यादा करप्शन। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे कि 70 साल में करप्शन हुई है, 70 साल में अगर 6,000 करोड़ का काला धन स्विट्जरलैंड बैंक में गया तो आज आपने एक साल में 14,000 करोड़ जो है स्विट्जरलैंड बैंक में भेजा है। कितनी करप्शन आपने की है, कितनी करप्शन आपने अपने उद्योगपति मित्रों की करवाई है, इससे ये सामने हो जाता है। आप तो काला धन लाने वाले थे, लाना तो दूर, आपने भारत का जितना पैसा था वो भी स्विट्जरलैंड बैंक में दिखा दिया, भेज दिया, तो शर्म आनी चाहिए आपको। और अमित शाह जी से ये कहना चाहते हैं, अमित शाह जी आए, हमें लग रहा था गृह मंत्री बन के आएंगे, लेकिन अमित शाह जी गृह मंत्री बनकर नहीं, बीजेपी के नेता बन के आए, बीजेपी के वर्कर के साथ बात की, उनको जुमले दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग एक ही चीज की उपेक्षा कर रहे थे, स्टेट का दर्जा वापस लेने की, जो उनको नहीं मिला, जिससे पूरा जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं वो मायूस हैं और वो चाहते थे कि स्टेट का दर्जा जल्द से जल्द वापस मिल जाए।